सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि महिलाओं के लिए पैसे कमाना क्यों जरूरी है। जब शादी हो जाती तो फिर वही घर गृहस्थी, पति की सेवा करो, मतलब बच्चों, सास ससुर, इन्हीं सभी चीज़ों में ऐसे उलझ जाते कि अपने लिए कुछ सोचते ही नहीं। मेरी लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ गई थी कि तो मैं घर पे अकेली हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। छोटे बच्चे थे और आज की डेट में मतलब अच्छे से यहाँ पे वर्क कर रही हूँ, सीख रही हूँ, समझ रही हूँ। लड़कियों के लिए भी यही कहना चाहूँगी कि आज की डेट में मतलब कि हमें बहुत सारी ऐसी स्किल हैं जिन्हें हम ऑनलाइन थ्रू मतलब अपने स्मार्टफोन के थ्रू बहुत सारी चीजें स्किल ऐसे सीख सकती है। व्यूअर्स मैं बता दूं, आज के हमारी इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो ये है कि हमारी जो पहाड़ की उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं वो स्वयं कैसे आपका निर्भर रह सकती हैं, कैसे वो खुद आपका कमा सकती हैं, जीवन में विषम परिस्थितियां जो हैं उनसे लड़के वो कैसे अपने जीवन में एक सफल मुकाम प्राप्त कर सकती हैं। नमस्ते व्यूअर्स, आज हम मिलने जा रहे हैं तन्वी फुलारा जी से, जो कि एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ी हुई हैं और अभी उसमें ये गोल्ड लेवल पे हैं और इनके अंडर में अभी तक जो है 200 से ऊपर लोगों की टीम आपका बन चुकी है। तन्वी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे आज इनवाइट किया, बोलने का मौका दिया, इसके लिए तहे दिल से थैंक यू। जी वेलकम। तो सबसे पहले तन्वी जी, हम थोड़ा सा आपके जीवन के बारे में, जो आपकी पृष्ठभूमि है उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मेरा नाम तन्वी फुलारा है, मैं बेसिकली उत्तराखंड से ही बिलोंग करती हूँ। एट प्रेजेंट मैं हल्द्वानी शहर में रहती हूँ और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया हुआ है। अपनी जॉइंट फैमिली के साथ यहाँ पे रहती हूँ। दो बच्चे हैं मेरे, एक 4-5 साल का है और एक 7 साल का है, तो बहुत अच्छे से लाइफ को स्पेंड कर रही हूँ। जी बहुत बढ़िया। तो आप जो ये, अगर हम पर्टिकुलरली बात करें आपके नेटवर्क मार्केटिंग की, इससे आप कब जुड़ी और इसमें क्यों जुड़ी? क्योंकि बहुत सारे, अभी हम इसमें आगे बात करेंगे, क्योंकि लोगों के मन में एक मिथ ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियाँ जो हैं वो जालसाज कंपनियाँ आपकी होती हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले आपका जो मोटिवेशन है, आप क्यों जुड़े, कब जुड़े, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे हम। यस जरूर सर। सर, इस इंडस्ट्री से मैं 3 साल पहले जुड़ी हुई थी, क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ गई थी कि तो मैं घर पर अकेली हो चुकी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बच्चों के साथ मतलब छोटे बच्चे थे, एक 10 महीने का था उस टाइम पे, 2.5 साल का था, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं इन बच्चों के साथ। तो मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा एक वर्क है जिसे तू वर्क फ्रॉम होम की तरह कर सकती। मुझे ये पता नहीं था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ठीक है। तो उस टाइम पे मुझे इस चीज़ की कोई नॉलेज भी नहीं थी। तो धीरे धीरे जब मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में उस दिन जाना, समझा, तो धीरे धीरे मुझे इस इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए मुझे मैक्सिमम 6 महीने से पूरा 1 साल लगा। अच्छा। क्योंकि शुरुआती टाइम पे क्या था कि मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आई थी तो मैं नहीं कर पा रही थी, मतलब वही है कि कैमरा फेस नहीं कर पा रही थी, अपनी बातें रख नहीं पा रही थी। तो धीरे धीरे करके यहाँ से जो मुझे सपोर्ट सिस्टम मिला, यहाँ से जो एजुकेशन मुझे यहाँ से मिली, मतलब मोटिवेशन मुझे यहाँ से मिला कहना चाहूँगी, वो सारी चीज़ें मिली, तो मेरे को अपने आप ही अंदर से मुझे एक ऐसा लगा कि यस, मैं सब कुछ कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। जी। मतलब जो मैं नहीं भी करना, जो लोग सोचते हैं कि ना हम ये नहीं कर पाएंगे, तो वो चीज़ें भी मैं कर सकती हूँ। ये चीज़ें मेरे अंदर चेंजेस आए, तो धीरे धीरे मैंने वो सारी चीज़ें की। धीरे धीरे अपनी छोटी छोटी वीडियोस बना करके मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, अपना जो अंदर का हेजिटेशन होता है वो सारी चीज़ें सीखी। और आज की डेट में मतलब अच्छे से यहाँ पे वर्क कर रही हूँ, सीख रही हूँ, समझ रही हूँ। तो मतलब जो भी गाइडलाइन है उनको फॉलो करके ही यहाँ पे आगे बढ़ा जाता है, तो उसी को फॉलो करके आगे बढ़ रही हूँ। चलिए, बहुत अच्छा यहाँ पे आपने बताया। देखिए, आपने अगर 200 लोगों की टीम आपने जोड़ी हुई है, तो इसका मतलब वो 200 लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर है। yes. या आपकी जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है उसके ऊपर है। लेकिन एक मेरा क्वेश्चन वही जो मैंने आपसे शुरू में पूछा था, लोग जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग जो आपका बिजनेस है, जो ये काम है, इसको वो अच्छा नहीं समझते हैं, तो वो क्या जो हेजिटेशन है, क्या वो रोड ब्लॉक है जो लोगों को इसमें जोड़ने से रोक रहा है? सर, ये लोग वो लोग होते हैं जो मतलब कुछ टाइम के लिए नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ते तो हैं, फिर उसके बाद उनको मतलब डीमोटिवेट, मतलब सीखते नहीं है, समझते नहीं है, मतलब रूल को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब सोचते हैं कि यस हम मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने आने के बाद ही सीधे डायरेक्ट, मतलब जैसे एंटर करेंगे उसके बाद हमारे पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर हम रूल को फॉलो करते हुए, अपनी जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, 3 से 4 साल भी हमें यहाँ से लग सकते हैं। धीरे धीरे उनको फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे इनकम के साथ साथ हमारा जो हेजिटेशन है, हमारा जो सब कुछ यहाँ से सीख के हम आगे जरूर बढ़ सकते हैं। अगर हम उत्तराखंड की महिलाओं के, अगर हम यहाँ पे उनको ऑब्जर्व करें, तो सामान्यतः मैक्सिमम जो आपकी महिलाएँ हैं वो आपकी हाउसवाइफ्स हैं,
वो अपने जो पति या अपने जो पिता हैं उन्हीं के जो सैलरी पर या उन्हीं के बिजनेस पे वो आपका डिपेंडेंट हैं, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे जो है एक खुद आपका मुकाम उठाया कि हाँ मैं खुद जो है मैं वो अपने पैरों पे खड़े होंगी, अपना पैसा खुद कमाऊंगी, अपना जीवन मैं खुद के पैसों पे जो है वो व्यतीत करेंगी। तो उन महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं कि महिलाओं के लिए खुद पैसे कमाना क्यों जरूरी है? यस, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि महिलाओं के लिए पैसे कमाना क्यों जरूरी है, क्योंकि अधिकतर हम महिलाएं क्या होती है कि घर गृहस्थी, जब शादी हो जाती तो फिर वही घर गृहस्थी, पति की सेवा करो, मतलब बच्चों, सास ससुर, इन्हीं सभी चीज़ों में ऐसे उलझ जाते कि अपने लिए कुछ सोचते ही नहीं है। ऐसा सोचते कि बस यही किचन, ये चीज़ें हमारी तक सीमित है, हम आगे को कोई भी काम नहीं कर सकते। सबसे पहले तो हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि क्या होता है कि इन सारे कामों में हमें वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है। अगर हम सेल्फ रिस्पेक्ट हमें अपनी चाहिए तो हमें कुछ ना कुछ, जैसे जो चीज़ हमारे अंदर खूबियाँ हैं, कुछ लोग महिलाएं ऐसी भी हैं जो बहुत पढ़ी लिखी हुई हैं, फिर भी वो क्या करती है कि वही इन्हीं सारी चीज़ों में उलझ करके अपने आप को बाहर नहीं निकल पाती है। तो उन लोगों के लिए भी बहुत सारी आजकल इंडस्ट्री में हर चीज़ वर्क है, जैसे आजकल हम लोग देख ही रहे हैं यूट्यूब के द्वारा ब्लॉग वगैरह बना करके, या फिर अपना उनके अंदर जो जो हुनर है खाना वाना बनाने का, या फिर सिलाई कढ़ाई, ट्यूशन, ऑनलाइन ट्यूशन ले करके, ये सारी चीज़ काम कर करके भी वो अपने आप मतलब आत्मनिर्भर बन सकती है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा यहाँ पे जो है आपने बताया। अब एक अगर हम जानना चाहें आपके जो जीवन में घटना है वो किस घटना से फिर आप जो है नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ी, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ आपका जो है, जैसे आपने खुद ही कहा कि लोग थोड़े समय के लिए जुड़ते हैं लेकिन जैसे आपका समय जो है वो 3-3.5 साल का हो चुका है, तो ऐसी कौन सी घटना थी जिसने आपको इतने लंबे साल तक जो है यहाँ पे टिकाए रखा? यस सर, ये चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि 2020 में जैसे कोरोना काल आया था तो हर किसी के लाइफ में उतल फुतल हो रही थी, मतलब हर लोग, सब लोग घर पे रह करके कुछ, मतलब घर पे ही रह करके अपना वर्क कर रहे थे। तो मेरा भी वही था कि घर पे ही, हस्बैंड भी घर पे ही थे, तो धीरे धीरे करके जैसे कोरोना काल ख़त्म हुआ तो हस्बैंड ऑफिस जाने लगे, तो अचानक से ये सारी प्रॉब्लम्स आई। तो मतलब मैंने ये नहीं सोचा था कि ये सब मेरे साथ होगा, क्योंकि क्या हुआ था कि मम्मी पापा ने शादी करी, तो फिर शादी के बाद मतलब वही घर गृहस्थी, बच्चे, उसी सारी चीज़ों में मतलब उलझी रही। आगे को मतलब चाहती थी कुछ करना, मतलब लाइफ में कुछ करना चाहती थी, पढ़ाई लिखाई, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो चाहती थी कि मैं ऐसा कुछ करूं जिससे कि मतलब हस्बैंड की भी हेल्प हो, अपना सेल्फ डिपेंड बनूं। पर वही होता है ना कि जब अंदर से ही वो अंदर बात नहीं हो पाती, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता, तो इस वजह से कोई भी लेडीज़ आगे नहीं बढ़ पाती। तो यह होता 2020 में तो मेरे साथ एक ऐसी दुर्घटना हुई कि मेरी लाइफ का मतलब बिल्कुल क्लोज हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि लाइफ में आगे बढ़ूं या कुछ करूं, क्योंकि बच्चे भी छोटे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, मतलब दिन रात वही था कि मतलब अपने आप को कोसती रहती थी कि ये सब मेरी वजह से हुआ, मतलब आस पड़ोस के लोग भी यही सोचते थे, मतलब कमज़ोर करने की कोशिश करते थे, कहते थे कि ये सब तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से तेरे हस्बैंड का ये सब हुआ है। तो यही सोच सोच के मैं मतलब अंदर ही अंदर अकेले रह गई थी, तो रोते रहती थी। तो मेरी एक फ्रेंड है खुशी नेगी, वो उन्होंने मुझसे बात करनी शुरू करी, तो जब उसे पता चला कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, तो वो भी इस इंडस्ट्री में वर्क करती है, तो उसने मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बताया। तो मैंने धीरे धीरे करके इस इंडस्ट्री में से खुद, पहले तो मैंने खुद के ऊपर काम किया 6 महीने, साल भर, मतलब मैक्सिमम मुझे बहुत पूरा 1 साल लगा यहाँ पर अपने पाँव को टिकाने में, कि मैं पूरे 1 साल अपने आप के ऊपर मैंने वर्क किया, अपना जो हेजिटेशन है वो सारी चीज़ें यहाँ से दूर करी, तो मुझे धीरे धीरे करके अच्छा लगने लगा। मतलब आज की डेट में यहाँ पे सीखती हूँ, सिखाती हूँ, आगे बढ़ती हूँ, तो वहाँ पे इस इंडस्ट्री में मुझे एक नया नाम दिया गया हुआ है, झांसी की रानी नाम से मुझे यहाँ पे जानते हैं, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि यस, कि इस इंडस्ट्री में आकर के मैंने खुद को जाना है, खुद की मतलब जो हेजिटेशन है वो सारी दूर करी है, और साथ ही साथ अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, एक होता है कि यस, कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिले, क्योंकि घर गृहस्थी में हमें वो सारी चीज़ें नहीं मिलती है। मतलब हम कितना भी कुछ कर ले, किसी के लिए कितना भी कुछ कर ले, कोई हमें मतलब वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, जो रिस्पेक्ट आज की डेट में मुझे यहाँ से मिल रहा है। मेन बात है मुझे सपोर्ट सिस्टम, अगर आज की डेट में मतलब मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये परिवार, मतलब एक परिवार तो मतलब सास ससुर, बच्चे, हस्बैंड, ये होता है, माँ बाप,
और एक परिवार मेरा ये नेसिस फैमिली, इसे भी मैं दिल से इतना प्यार करती हूँ कि मैं इसे मतलब कहीं भी क्विट करने की कभी सोच भी नहीं सकती, क्योंकि इतना अच्छा ये परिवार है, यहाँ से सपोर्ट मुझे मिला है। तो मैं बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ इस इंडस्ट्री को भी, अपनी उस फ्रेंड को भी जिसने मेरे अंदर ये बदलाव लाने की कोशिश करी। ये बहुत सही बताया यहाँ पे। अब हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा ना कि आपने अपने अंदर जो है इम्प्रूवमेंट किया है, आपने अपने अंदर जो है वो अच्छा बदलाव देखा है, तो एक जो आपकी महिला है जो आपकी अभी इस टाइम पे ग्रोइंग में है या हाउस वाइफ है, वो शुरुआत कैसे करे? अगर उसको नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं जुड़ना है लेकिन अभी वो घर में है, वो भी सपने देख रही है, तो वो कैसे शुरुआत करे, कहाँ से वो अपने अंदर बदलाव लेके आए? यस, ये सारी ये क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा है। हर लेडीज़ को मतलब आज के डेट में क्या हो गया कि स्मार्टफोन, आज की सबके पास स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन के जरिए इसमें वैज्ञानिकों ने मतलब उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी दी हैं तो कुछ बुरी चीज़ें भी दी हैं। तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किन चीज़ों की तरह ज़्यादा आकर्षित हो। अगर हम अच्छी चीज़ों की तरह ज़्यादा आकर्षित होंगे तो हम उन सारी चीज़ों को देख करके समझ करके हम आगे बढ़ भी सकते हैं। जैसे बहुत सारी वीडियोस देख करके हम अपने आप के अंदर की जो नेगेटिविटी है उसे दूर कर सकते हैं, और अपने अंदर जैसे अधिकतर महिलाएं जो होती हैं उनके अंदर बहुत सारी खूबियाँ होती हैं। हर एक महिला वो नहीं होता कि उसके अंदर कोई भी खूबी नहीं है। किसी के अंदर जैसे कोई ब्यूटिशियन वगैरह में इस इंडस्ट्री में वर्क करना चाहता है तो वो ऑनलाइन भी कर सकता है, किसी को ऑनलाइन ब्यूटी ये सारी चीज़ें सिखा भी सकता है, या फिर कोई योगा क्लासेस यूज करना चाहता, योगा अच्छा सिखाता है तो वो ऑनलाइन योगा भी सिखा सक, ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी वो आगे बढ़ सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे ना मैं और भी जानना चाहूँगा, जैसे आपने जो है वो 200 लोगों की टीम जो है वो जोड़ी है, और ये क्वेश्चन हम जैसे जो लोग आपका बिजनेस कर रहे हैं उनके सेल्स के लिए भी ये शायद आपका जो है यहाँ पे आपकी तरफ से सीख हो सकती है कि लोगों से हम कैसे जुड़ें या उनसे कैसे अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करें। जैसे हमारे यहाँ पे भी जो है ऑनलाइन कोर्सेज आपके चलते हैं तो हम भी लोगों को रीच आउट करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को रीच आउट करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आपका क्या प्रोसेस रहता है कि आप लोगों से कैसे मिलती हैं, कैसे उनको अपने प्लान के बारे में अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं? यस सर, पहले तो हम उन लोगों की मतलब पहले तो हम उनसे बात करते हैं कि उनकी फैमिली मतलब उनका टाइम मैनेजमेंट को देखते हैं कि वो किस टाइम फ्री रहते हैं, तो उस टाइम पर उनका उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो फिर उनका मतलब पहले हम उनकी नीड जानने की कोशिश करते हैं कि वो चाहते क्या हैं, मतलब अपनी लाइफ में जैसे उन्होंने अच्छा एजुकेशन किया है, सब कुछ अच्छा है, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, तो वो ऐसा उनके अंदर ऐसी क्या खूबी है या क्या कमी है जिससे जिसके कारण वो नहीं बढ़ पा रही आगे। तो उनकी नीड जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि वो किस तरीके से मतलब क्या प्रॉब्लम है जो वो नहीं बढ़ पा रही आगे। तो उन नीड को जानने के जैसे किसी को हेल्थ इशू है तो उसे हम अपने हेल्थ प्रोडक्ट प्रोवाइड कर करके यहाँ पे लेके आते हैं, और साथ ही साथ जिसे किसी को पैसों की दिक्कत है, जिसके पास जो कोई मिडिल क्लास फैमिली से है, तो उसे हम मतलब उसे अपना वो प्लान दिखा करके उसे इस तरीके से भी प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ मतलब कोई औरतें होती जो मतलब हेजिटेशन, उनका अपना हेजिटेशन, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना जो कम्युनिकेशन स्किल है, ये सारी चीज़ों को सीख जिस इन मतलब उनके अंदर इस चीज़ की कमी होती है, तो उन सारी चीज़ों को निखारने के लिए भी हम उन्हें यहाँ पे मतलब ट्रेनिंग्स देते हैं और उन्हें यहाँ पे इनवाइट करते हैं कि आप अच्छा। ये सारी चीज़ें यहाँ से स्किल सीख सकते हैं, मतलब पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं कि लोगों से किस तरीके से हम बात करना चाहिए, हमें ये सारी चीज़ें हम सीख। चलिए ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि जैसे आप कह रहे हैं कि जो इससे हम पैसा भी कमा सकते हैं, लोग जॉब और जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, इसमें आप बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस क्या देखते हैं? यस, जॉब में सर ये क्या होता है कि हमें मतलब एक टाइम सेट होता है कि हमें सुबह 5 बजे से शाम को 9 बजे तक या 8 बजे तक हमें वो जॉब में जाना है, तभी हमें सैलरी आएगी। पर हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, मुझे सबसे खूबी इसमें यही लगती है कि अगर इसमें हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम एक दिन में 2 घंटे भी इस वर्क को देते हैं तो हम आसानी से मतलब अपनी इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, और हमें यहाँ पे कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं कि हमें इतने टाइम तो इतने टाइम ये वर्क करना है और हमें इस तरीके से यहाँ पे सैलरी आएगी। यहाँ पे हमारे काम के अकॉर्डिंग पैसा आता है। सैलरी में क्या होता है कि सैलरी हमारी सिर्फ एक बार आती है, और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या होता है कि यहाँ पे हमारा 4 बार इनकम आती है, हफ्ते में 4 बार हमारा यहाँ पे आउट बनता है, वो भी हमारे वर्क के अकॉर्डिंग। अच्छा। अगर मतलब जैसे इस हफ्ते हमारा वर्क हुआ सैटरडे, तो मंडे टू सैटरडे हमारा वर्क होता है, तो नेक्स्ट मंडे हमारी इनकम यहाँ से हमारे अकाउंट में आ जाती है।
चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपने जो है ये आप कह सकते हैं कि जॉब में जो है हम अपने टाइम को सेल करते हैं, यहाँ पे जो है अपना जो हमारी क्वालिटी है उसको हम जो है सेल करते हैं। तो अब यहाँ पे जो आपकी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं सभी महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि वो अपने सबसे पहले तो अपने टाइम को मैनेज करके चले। मतलब सबसे पहले जगह जैसे कोई घरेलू महिला है या फिर गांव की महिलाएं हैं या फिर स्टूडेंट हैं, सबसे पहले वो अपने अगर टाइम को मैनेज करके चलेंगी जो भी काम है, क्योंकि हर कोई काम आजकल फैमिली वाले सभी हैं तो कोई काम ऐसे छोड़ तो सकते नहीं, बच्चों को भी बच्चों का काम भी छोड़ नहीं सकते, तो हर काम का एक टाइम टेबल बना लें। मतलब उनको अलग अलग भागों में सेट कर लें कि हमें कौन सा काम कितने टाइम तक फ्री करना है, तो अपने बच्चों को भी टाइम दें, फैमिली को भी टाइम दें और खुद के लिए भी टाइम निकालें। अगर हम खुद के लिए टाइम निकालेंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अगर देखें कि जैसे अगर हम टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे तो हमारा जो माइंडसेट है मेन दूसरा पॉइंट है कि माइंडसेट, अगर हम माइंडसेट हमारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो हमारा हर काम आसानी से होते जाएगा। लड़कियों के लिए भी यही कहना चाहूँगी कि आज की डेट में मतलब कि हमें बहुत सारी ऐसी स्किल हैं जिन्हें हम ऑनलाइन थ्रू मतलब अपने स्मार्टफोन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें स्किल ऐसी सीख सकती है। बहुत सही यहाँ पर आपने था। अब जैसे एक क्वेश्चन यहीं से आपकी बातों से आया कि जैसे आप कह रहे हैं ना प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहिए, तो हम अगर कोई एक न्यू कमर है जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आना चाहता है लेकिन उसके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, ठीक है, उसमें कुछ अच्छे भी हैं कुछ आपके बुरे भी हैं जिनके बारे में मार्केट में जो है अलग अलग जो खबरें हैं वो आपके आते रहती हैं, तो कैसे पता करें कि कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए सही है? यस सर, पहले तो हमें वो उस कंपनियों को सर्च करना चाहिए क्योंकि आज के डेट में हर कंपनी के बारे में यूट्यूब पे गूगल पे सर्च मार के हम देखना चाहिए कि कौन सी इंडस्ट्री कितने साल कितने टाइम से वर्क कर रही है। मतलब जिस इंडस्ट्री में मैं वर्क कर रही हूँ वो 23 साल से मार्केट में रन कर रही है और अलग अलग वो सेक्टर में इसके स्टॉक पॉइंट भी हैं, तो बहुत मतलब ये सारी चीज़ें सर्च करनी चाहिए और कब से इसके क्राउन अम्बेसकर कौन है, कितने इसमें क्राउन अम्बेसकर हैं, इसके प्रोडक्ट क्या हैं, ये सारी चीज़ों की उसे नॉलेज लेकर के ही उस इंडस्ट्री में कदम रखना चाहिए। अच्छा, वहाँ से आपको गूगल और यूट्यूब से ही सर्च करके से भी सर्च मार करके आजकल हर जगह पे इस चीज़ की नॉलेज होती है, तो हम उस चीज़ में सर्च करके ये सारी उस मतलब इंडस्ट्री के बारे में पता करके ही उसमें एंटर कर सकते। ठीक है, अब जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में एक जो सबसे बढ़िया पॉइंट मुझे लगता है, जैसे आपने सपोर्ट सिस्टम के बारे में कहा, आपका यहाँ पे एक मेंटर होता है, आपका एक सीनियर होता है जो आपसे एक लेवल ऊपर होता है, तो आप थोड़ा इस प्रोसेस के बारे में बताना चाहेंगे, ये प्रोसेस या अपने आप मेंटर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे, उनने आपकी कैसे मदद की है? यस सर, मेरे जो मेंटर हैं मैं उनका तहे दिल से थैंक यू कहती हूँ क्योंकि आज की डेट में मैं अपनी फैमिली से ज़्यादा उन्हें मानती हूँ। पहले तो मैं अपने माँ बाप को ही मानती हूँ लेकिन माँ बाप के बाद मैं अब उन्हें अपना माँ मतलब एक गुरु कहूँ या माँ बाप कहूँ या फिर अपनी एक एज ए सिस्टर कहूँ तो मैं उन्हें ही मानती हूँ क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे मुझे सपोर्ट किया जिस टाइम पे मुझे बहुत ज़रूरत थी। तो आज की डेट में मतलब मुझे भी प्राउड फील होता है और उन्हें भी प्राउड फील होता है कि यस तन्वी फुलारा या कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। तो वो भी मेरी बात मतलब हर इंडस्ट्री में हर जगह पर जहाँ पर भी कुछ भी मीटिंग वगैरह होती है मेरी बात करते हैं तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि उन्होंने मुझे किस तरीके से मोटिवेट किया। हर एक मतलब वीडियोस के माध्यम से हो या फिर वन टू वन के माध्यम से हो या फिर मेरे घर पे मुझसे मिलने के लिए आते थे तो वो सारी चीज़ों के थ्रू उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। तो आज की डेट में मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। ठीक है, चलिए, ये आपका बहुत अच्छा है यहाँ पे जो है मोटिवेटिंग वीडियो आपका यहाँ पे रहा। और अगर जो महिलाएं यहाँ पे देख रही हैं वो भी उसी तरह जैसे आप परेशानी में पहले थी 3-4 साल पहले, वो भी अपने जीवन की जो है परेशानियों में आपका जो है इस टाइम पे हैं, वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकती हैं और मोटिवेट हो सकती हैं और अपनी ज़िंदगी जो है बदल सकती हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है जो लेडी अपना मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहती है तो वो डेफिनेटली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती है, मैं उनका सपोर्ट करूँगी। और जिस तरीके से मैं आगे बढ़ी हूँ, मैंने अपने अंदर की जो हेजिटेशन है सब कुछ चेंजेस किया है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह जो जितनी भी महिलाएं हैं वो भी आगे बढ़ें, अपनी लाइफ में डर डर के ना रहें क्योंकि अगर जितना हम डरेंगे सहमेंगे, क्योंकि आज की डेट में देख रहे होंगे कितने ढेर सारे मतलब ये जो अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं के साथ, दहेज पीड़ा से लेकर के जो भी घरेलू हिंसा हो रही है वो किस वजह से हो रही है, उनके पास एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब हेजिटेशन है उनके अंदर, वो अपनी बात को रख नहीं पाती, भले वो कितनी भी पढ़ी लिखी हो वो रख नहीं पाती है। अगर वो अपने मतलब किसी इंडस्ट्री से जुड़ेंगी, अपने अंदर के चेंजेस को मतलब अपने अंदर के बदलाव करेंगी
अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगी, अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल है अपनी, अपना हमेशा मतलब पॉजिटिव रहेंगी, तो डेफिनेटली वो आगे जरूर बढ़ेंगी, अपने हर एक कार्य में सफल होंगी, चलिए वो कोई भी किसी तरीके की वे भी महिलाएं हों। चलिए ठीक है, हम आशा करेंगे कि आप अपने जीवन में और भी जो है ग्रो करें, आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपका जो परिवार है, चाहे वो आपका खुद का पर्सनल आपका परिवार है, फैमिली हो, या आपका जो ये नेटवर्क मार्केटिंग का आपका जो परिवार हो, वो दिन दोगुना रात चौगुना आपका बढ़ता रहे। इसी शुभकामना के साथ आज की इस वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।